सभी रहवासियों से अपील है कि वो अपने घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। वो क्या दीदी, अलग अलग करके क्यों डालें? कचरा तो कचरा होता है। देखो, अगर पन्निया, कीले, बैटरी अगर खाने की चीजों के साथ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कोई जानवर खा लेगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है, और मरे हुए जानवर से मक्खियाँ और कई बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो दीदी, पर ये गीला और सूखा कचरा है क्या और इसे कैसे सही जगह पहुँचाएं? इसके लिए आप घर में दो कचरे के डब्बे रखिए, एक डब्बे में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब सब्जियाँ, फलों और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कागज, मिट्टी वगैरह। ये गीला कचरा या तो कचरा गाड़ी के हरे भाग में डालिए या फिर इनसे केचुआ खाद बनाकर गमले में डालिए और अपना परिसर हरा भरा बनाइए। और सूखा कचरा क्या? और सूखा कचरा जैसे बैटरी सेल, कांच, बोतल, थर्माकोल, लोहा तार, कीले, बिजली के खराब उपकरण, पन्निया, प्लास्टिक के डब्बे और न्यूज़पेपर आदि को कचरा गाड़ी के नीले भाग में डालें, जिससे इनका रिसाइकल होकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकें। अरे वाह दीदी, कचरा इतना उपयोगी हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में ही